नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विद निरंजन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा गैस चूल्हे का एमटी टूट जाए किसी काम को करने के दौरान, तो हम नया एमटी डालते हैं। लेकिन अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको नया एमटी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराने से ही काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ पुराने एमटी को रिपेयरिंग कैसे करें। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसा कि यह गैस चूल्हा देख सकते हैं सिंगल है, ठीक है। तो इसके हमें सर्विसिंग करनी थी, तो यह जो नट काफ़ी जाम हो गया था, यह नहीं निकल रहा था काफ़ी प्रयास के बावजूद। तो क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा एमटी देख सकते हैं टूट गया, इस तरह से टूट गया। और मैंने ग्राहक से पहले ही इसका बातचीत कर लिया कितना खर्च है, तो इस तरह का देख सकते हैं बहुत काफ़ी मुश्किलों में यह टूट गया। तो अब हम तो नया एमटी नहीं डालेंगे, हम इसे रिपेयरिंग करेंगे। हाँ, तो रिपेयरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे बताते हैं। हम इसे कट करके इसे हटा लेंगे और नया हम इसमें इस तरह का दे ही देंगे, जो एमटी सपोर्ट नट बोल्ट है। लेकिन इसे हम किस तरह से करेंगे देख सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर का देख सकते हैं, हमारा पुराना है, पट्टी ले लिया है और एक नट बोल्ट ले लिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो देख रहे साइज, इस साइज का हम होल करेंगे इस पट्टी में। इसके लिए हमने ड्रिल मशीन ले रखा है, देख सकते हैं ड्रिल मशीन लिए हैं। तो इसे हम इसे होल करेंगे और कुछ कटिंग करेंगे कटर के द्वारा, इस तरह के हैंड कटर के द्वारा हम इसे कट करेंगे और इस एमटी को नट बोल्ट के द्वारा कसेंगे। भी हम फटाफट आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा यह एमटी सपोर्ट जो नट बोल्ट है, इसी के हिसाब से हम इसका होल को बढ़ाएंगे। देख सकते हैं यह हमारा अंदर की ओर सही से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका होल को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। डाल के थोड़ा और बड़ा करना होगा होल को। तो लगभग लगभग यह हमारा अब जा पाएगा। तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं आसानी से जाने लायक हमने इसे बना दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह का हमें कट करना होगा कुछ हिस्सा में। तो हम थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं यहाँ तक, इस तरह से अभी से हम कट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का हैंड कटर ना हो तो हम इसे छेनी से भी कट कर सकते हैं, तभी हम छेनी से ही कट करेंगे इसे। तो इसे हम कट करेंगे यहाँ तक और इसे जोड़ने के लिए हम यहाँ भी एक होल करेंगे और यहाँ होल करेंगे, दोनों इस तरह से होल में। फिर हम इसे नट बोल्ट के द्वारा इसे जोड़ देंगे तो हमारा यह सपोर्ट भी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे भी होल करते हैं। हमारा इस तरह से हॉल हो रहा है। एक होल हो चुका, अब एक होल हम और इसमें भी करेंगे, तभी तो हमारा यह दोनों इस तरह से लगेगा और इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें एक होल करना होगा, तो होल करने के लिए हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से।
यहाँ पे हम निशान लगा लिए हैं और इसे भी हम होल कर देते हैं। इस तरह से हमारा होल हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे और इसे सेंटर में मिला देंगे। अब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। इस तरह के छेनी ले लिए हैं और इस तरह से हथौड़ा ऐसे हम कट कर लेते हैं। हमारा कट हो गया। अब हम इसे ऐसे लगा देंगे, ये देख सकते हैं। इस तरह से नट बोल्ट की सहायता से हम इसे कस देंगे। इस तरह हम टूटे हुए एमटी को इस तरह से काफी सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरह का एमटी हमने देख सकते हैं काफी सुंदर बना दिया है। और इस तरह से अभी से हम डाल देते हैं इसमें, ये देख सकते हैं। और इस तरह का हम नट से कस देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम एक टूटे हुए एमटी की भी रिपेयरिंग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं टूटे हुए एमटी को हम अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।